बड़ी खबर, भाजपा को लगा बड़ा झटका। दरअसल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रथ यात्रा निकाले जाने को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा की अनुमति को रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की देवकर डिवीजन बेंच द्वारा भाजपा की रथ यात्रा को रोक लगाने के बाद कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि यह पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत बड़ी जीत है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार की तमाम कोशिशों को दरकिनार करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की गणतंत्र बचाओ यात्रा के नाम से निकाले जाने वाले रथ यात्रा के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को हिदायत भी दी थी जिससे यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बना रहे। बता दें कि ममता सरकार के फैसले के खिलाफ भाजपा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बंगाल में रथ यात्रा निकाले जाने को लेकर गुरुवार को फैसला भाजपा के पक्ष में आ गया था, लेकिन आज फिर से बाजी पलट गई। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की एकल बेंच ने फैसला को बदलते हुए रथ यात्रा की इजाजत को रद्द कर दिया। पहले तो इस फैसले को ममता सरकार के लिए झटका बताया जा रहा था क्योंकि ममता सरकार ने भाजपा की रथ यात्राओं के लिए इजाजत नहीं दी थी, लेकिन शुक्रवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका वाला साबित हुआ। हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने फैसले को पलटते हुए भाजपा की रथ यात्रा पर रोक बरकरार रखने का फैसला सुनाया। इससे पहले भी राज्य सरकार के 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने पैनल में बैठक के दौरान इस यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इन 3 अधिकारियों के आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को भाजपा के रथ यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट के वरिष्ठ जजों के एकल बेंच ने भाजपा के इस रथ यात्रा पर पाबंदी लगा दी। बता दें कि भाजपा के अमित शाह उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को 7 दिसंबर को हरी झंडी दिखाने वाले थे। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।